सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारयां दा। तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग हाजर हां लैके बुलेटिन पंजाब लाइव ते सब तों पहलां गल करांगे उस सरकार दी जिसने घर घर रुजगार देण दा वादा कीता सी ते घर घर रुजगार देण दा वादा करन वाली सरकार ने जदों अपने ही विधायकां नूं खुश कीता तां कईआं दी नाराजगी मोल लै लई। सियासत वी भख रही है, विरोधियां समेत अपने वी नाखुश ने। तां सीएम कैप्टन दा कहणा है कि पांडे जी ते बाजवा ने कुर्बानियां दित्तियां ने, अकाली दल आम आदमी पार्टी अपनी कुर्बानी दसे मैं उन्होंने भी देवगा नौकरी। देश के विच भी मिल्खा सिंह का नाम रेकगनाइज होया सी, जो देश वास्ते कुर्बानी दिंदा है आई थिंक वी कैन नेवर फॉरगेट इट। जिथे ताई होया अपने पंडित अपने पांडे जी का या होया अपने बाजवा साहब का, दे इन्होंने अपनी कुर्बानियां दित्तियां सी अपने देश वास्ते। एंड अगर अकाली दल या आम आदमी पार्टी जो क्रिटिसाइज करती है वो मैनू अपने पार्टी तो दस दें किसी बंदे नू, मैं उन्हें भी दे दूंगा। ते हुण गल सरकार दे ही उन्हां मंत्रियां ते विधायकां दी जिन्हां ने नौकरियां दे इस मसले ते अपनी ही सरकार ते सवाल चुके ने। इस लड़ी दे विच कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ दा नां आउंदा जो कहिंदे ने कि तरस दे आधार ते दो नियुक्तियां उचित नहीं हन, नियुक्तियां रद्द होणियां चाहीदियां। तां फतेह जंग बाजवा ते विधायक पांडे नूं कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग ने सलाह दित्ती है कि दोवां विधायकां दे पुत्तरां नूं नौकरियां लैणियां नहीं सी चाहीदियां, पहलां लोकां नूं नौकरियां मिलणियां चाहीदियां सी, अज अपणियां नूं नौकरियां देण दा समां नहीं है। कहा विधायकां दे पुत्तां नूं नौकरी देणा मुख मंत्री दा फैसला गलत है, इह वापस लिया जाणा चाहीदा। पांडे साहब नूं ते अपने फतेह बाजवा जी नूं कि इह नौकरियां नहीं लैणियां चाहीदियां, जदों सिखावें हो गए आपां पंजाब दे लोग सिखावें हो गए उदों फिर किसी कोई गल नहीं रहेगी, पहलां लोगों नूं नौकरी मिल जाए तो फिर ये भी लै लैन, कोई हर्ज नहीं है। जे कोई काबिल व्यक्ति है कोई नौकरी लैना चाहुंदा तां लै लैन, लेकिन अज समा नहीं है। फर्ज बनता जी कोई मेरे घर आए, मैं उन्हां दा हमेशा ही आदर मान सम्मान करदा कि उन्होंने चाह भी पियाओ, पानी पियाओ। कुछ कहिंदे ठंडे लोग पी गए, कुछ नूं रोक दिता गया तुसीं आ गए तुसीं भी एक तां पंगा पा दिंदे हो। कई विचारे आए क्योंकि भरा है, कोई मुद्दों के मतभेद है कोई ऐसी गल नहीं, पर मेरी उन्होंने बेनती है किसी मुद्दे ते तां घिराओ करो। जो कोई मुद्दा नहीं पहला बंदे की सहमति पुछ लो, जिस मुद्दे ते तुसीं घिराओ करना चाहते हो उस मुद्दे ते तां मैं भी थोड़े नाल सहमत है, फिर मेरा घिराओ क्यों। इसे खबर से साडे सहयोगी नवजोत धालीवाल साडे नाल जुड़ चुके ने। नवजोत, इस पूरे सनैरियो नूं समझिए वेखिए, तां सरकार अपणियां नूं ही हुण नौकरियां दे रही है, विधायकां दे पुत्तां नूं नौकरी दे रही है, जो वजीरियां दा आनंद माण चुके ने उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां जा रहियां ने जी, सदके दिंदी सरकार, पर किते ना किते अपनी जमीन नूं खंगालदिआं होइआं घर घर रुजगार दे वादे नूं तां याद करदी। की लगदा कि इह वादे भुल के अज इह नौकरियां जो दित्तियां गईआं ने इसे दे चलदिआं शायद अज अपणियां दे वी विरोध दा सामना करना पै रिहा, उह जो कदे वी सरकार दे पक्ख तों नहीं डोले अज सरकार दा पक्ख नहीं पूर रहे। अमृता, गल यह है कि जिहड़े अखाण मुहावरे कहावतां बणदियां ने उह किसे गल करके ही बणदियां ने। तुसीं सुणिया होणा कि अन्ना वंडे रोड़ियां मुड़ मुड़ आपणे नूं दे, इह किसे गल करके ही बणियां ने। सरकार दी इस मसले ते इन्नी किरकिरी हो रही है कि विरोधी करन शायद लगदा कि उह विरोध करना उन्हां दा फर्ज बन चुके है, ओपोजिशन करे तां अपोज करना इह जापदा भी शायद उन्हां दा बण गया। तुहाडे अपने प्रधान कह रहे आ, तुहाडे अपने वजीर कह रहे हैं, तुहाडे अपने विधायक कह रहे हैं, तो तुसीं उन्हां दी गल नहीं सुन रहे हैगे। दूसरे पासे तुहाडे पार्टी दे इकाई दे प्रधान कह रहे हैं, तो नालों नाल जदों कैबिनेट दे विच अमृता जदों कैबिनेट दे विच इह फैसला हुंदा है तां कैबिनेट दे विच जिहड़ी है पंज मंत्री मुखालफत करदे सी। पंजाब हरियाणा हिमाचल ने सब तो पहलां इह खबर नशर कीती सीगी कि कैबिनेट दे विच जदों इह मता पास हो रहा सी उदों मंत्रियां ने इसकी विरोधता करी सीगी, पर उस दे बावजूद जदों अद्धी वजारत तुहाडी विरोधता कर रही है तुसीं उस तों बाद भी इस तरीके दीआं नौकरियां दे रहे हो जिहदा मूल आधार है कि तरस दे आधार ते, तरस दे आधार दे उत्ते जे नौकरियां देणियां सी तुसीं उहनां नूं दिंदे जिन्हां दे चुल्हिआं चों अग बुझ गई है। तरस दे आधार ते नौकरियां उहनां नूं देणियां सीगियां जिहड़े मावां दे पुत मुल्क लई शहीद हो चुके आ, तरस दे आधार ते नौकरियां उहनां नूं देणियां सीगियां जिहड़े अज तों साढ़े तीन दहाके पहलां वापरे खूनी साके दे विच
हजारा बेकसूरे लोग मारे गए, 84 दे विच बेकसूरे मारे गए, 66 दी तकसीम, 47 तकसीम, किन्ने किसान हर रोज़ खुदकुशियां कर रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां मिलियां, कि उन्होंने सरकार नूं तरस नहीं आता, उन्होंने लोगों पर तरस आता है जिन्हां दे चुल्हिआं दे विच नित आए दिन तरह तरह के पकवान रिंदे आ, पर जिन्हां दे चुल्हिआं च कख हो गया है उन्होंने सानूं कुछ नहीं आता। तो सवाल यह है कि असी वायदा किया सी पंजाब दी आवाम नाल कि घर घर नौकरी, 55 लाख के नेड़े परिवार है कि असी सारे नौकरी देने से कामयाब हो सके। उन्हां दे बारे तां असी गल कह दिंदे आ कि प्राइवेट नौकरियों का पटारा खोल दिता है, तो प्राइवेट नौकरियों के भी PhD डिग्री होल्डर बंदे डोमीनोज़ दे विच जां किसी होर दे विच पीजा डिलीवरी के 8-8 हज़ार के उत्ते रखे है, जिन्हां दे 8-8, 10-10 साल रिसर्च के उत्ते लंघे है, उन्हां दे उत्ते सरकार नूं तरस नहीं आता। सवाल तो यह है कि जिहड़ी तरस के आधार पर नौकरियां दित्तियां गईयां ने, यह तरस पंजाब दी ओह मजलूम लोग जिन्होंने बहुत संताप हंडाया पिछले 2-2.5 दहाकों तो, उन्होंने भी जनाबे वाला पंजाब दे तुसी इस आवाम दे वजीर हो, तुसी उन्होंने आला हो, तुसी उन्होंने उत्ते भी तरस खाओ, तो यह विरोध इस करके हो रहा है। सो हुण जो थोड़े अपने विरोध कर लग पे है, हुण नैतिक फर्ज की जिम्मेवारी आती है अमृता कि नैतिक फर्ज कौन अदा करता है, क्योंकि जदों जदों भी साडे मुल्क की पोलीटिकल हिस्टरी है, जो कोई कोई गलती हो जाए किसी मंत्री तो हो जाए किसी विधायक तो कुछ भी हो जाए, वह अपना अहुदा त्याग देता, वह अपनी जिम्मेवारी तो पिछे हट जाता है। इन्नी विरोधता तो बाद कि नैतिक फर्ज के आधार पर यह लोग कहेंगे भी नहीं सानू नहीं चाहिए, रब का दिता बहुत कुछ है, साढ़े तो रंग भाग लगे हुए है, साढ़े तो महली सब कुछ बन रहा है, उन्होंने दिता जाए जेडे लोग हले नौकरी तो सखने ने, उन्होंने दिता जाए जेडे पढ़ाई तो सखने है। सो गल ये है भी पंजाब दे ओ लोग भी इस तरस की कतार दे विच खड़े है, देखते हैं कि सरकार 6 महीनों के उन्होंने मेहरबान होंगी है जां नहीं होंगी। जी बिल्कुल, गल तो इत्थे नवजोत जमीर जागण की ही है, जिस तरह तुसीं कहा कि हुण छड्डे जाणगे कि नहीं, हालांकि विरोध हुण तो नहीं, पिछली वजारत की मीटिंग जदों यह मता पेश किया जाना सी पर नहीं किया गया, उदों तो उस तो पहले तो ही विरोध जारी है, जदों तो यह गल खुल के सामने आई तो की लगता है कि हुण इस विरोध नूं अणगौलियां कर देणगे, जबकि राजा वड़िंग ने भी यही अपील की फतेह जंग बाजवा नूं भी ते पांडे होरां नूं भी कि यह नौकरियां उन्हां नूं ही नहीं सी लैणियां चाहीदियां, वह भी छड्ड सकदे सी जे सीएम वल्लों दे दित्तियां गईआं तां वह नौकरियां छड्ड देण, शायद किसी गरीब का होर भला हो जाए। की लगता है कि यह जमीर हुण जागेगी, क्योंकि विरोध तो पहले तो ही जारी है? देखो ये तो खैर सवाल का जवाब भविख के गर्भ के विच है, जां जिहड़े नौकरी प्राप्त करने वाले है जां जिहड़े लाभपात्री है, यह तो उन्हां दे मूड के उत्ते डिपेंड करता है। शायद मैनूं लगता भी जेकर यह विरोध तो जिवें तुसीं दस रहे हो कि पहला तो शुरू हो गई सी, पिछली वजारत तो शुरू हो गई सी, कई बैठकां भी हुई ने, वह बैठकों के विच भी लोगों ने मते पगाए आ भी आपां इस चीज़ का विरोध करना है, ये चीज़ां गलत हो रही ने, साडी सरकार दे उत्ते भारू पैणगियां, जिहड़े अगले जिहड़े साडी पार्टी के नौजवान वर्कर है कल उन्होंने अपनी सियासी पारी खेडनी है, उन्होंने भी भारू पऊगा, यह तो हुण उन्होंने उत्ते निर्भर करता है वह छड्डदे कि नहीं छड्डदे। हालांकि जे छड्डनी हुंदी यह किरकिरी जिहड़ी है कि पहला तो हो रही सी, शायद उहदे नूं वेखदे होए वह पहला ही इस नूं उत्ते कर दिंदे, ठीक है वह कहिंदे भी असीं सरकार दी इस जिहड़ा उन्होंने फर्ज निभाया असीं उहदे कदरदान आ, पर साडे कोले सारा कुछ हैगा, तुसी ये किसे होरां दो, तो एक सोहनी गल जापदी है पंजाब की सियासत लई भी, एक नरोई सियासत की मिसाल साबित होएगी, पर हाले तक इस तरीके की गल निकल के नहीं आई हैगी, हो सकता कि अगे आ जाए कोई वड्डी गल नहीं हैगी, पर सरकार दे उत्ते सवाल खड़ा हुंदा कि सरकार नूं बाकी तरस दे बंदे नहीं दिखे जिन्हां नूं आकी वाकई लोड़ सीगी, जिहड़े वाकई ही इस दे योग सीगे, जिहड़े PhD कर चुके हैं, जिहड़े MPhil कर चुके हैं, जिहड़े रिसर्च कर चुके हैं, जां जिहड़े डिग्रियां करके परौंठे पकाउण लई रेहड़ियां दे उत्ते मजबूर ने, उन्हां लोकां नूं भी तरस दे आधार दे उत्ते वेखण दी सरकार नूं बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल वेखना होएगा कि तरस दी इस लीह दे विच सरकार दे मापदंडां ते कौन खरा उत्तर दे आने वाले समय दे विच, क्योंकि समा भी इस सरकार कोल बहुता बचिया नहीं है। बहुत शुक्रिया नवजोत इस जानकारी दे लई। सो विधायकों के पुतों नूं मिल रही इन्हां नौकरियां ते विरोधी पार्टियां भी सरकार नूं लगातार घेर रही ने, भाजपा आगू तरुण चुग का बयान सामने आउंदे जो कहिंदे ने कि जेकर नौकरी देनी ही सी तां उन्हां पीड़ितां नूं दित्ती जानी चाहीदी सी जिन्हां ने किसे अपने नूं खो दित्ता। 35,000 तो ज़्यादा लोग ने जिन्हां नूं नौकरी दित्ती जानी चाहीदी सी, पर नौकरी दित्ती जा रही है तां अपने विधायकों नूं, उन्हां दे बच्चियां नूं, उह वी तरस दे आधार ते जिन्हां उत्ते तरस खाधा जा रहा है, उन्हां दे पिता दादा सांसद विधायक ते मंत्री रह चुके ने, पर जिन्हां ते तरस नहीं आ रहा वो लोग अज दाने दाने तो मोहताज ने।
34 साल बाद आतंकवाद के नाम से नौकरी दे रहे हो। 35,000 तो ज्यादा आतंकवाद पीड़ित परिवार है पंजाब, जे नौकरी देनी तो 35,000 नूं दिओ। और नौकरी का नाम है तरस के आधार से नौकरी दी। कैप्टन साहब जिस घर च पिता दादा MLA रहे मंत्री रहे, जिते अज भी घर च दो एक विधायक एक सांसद है, उत्ते तुसीं नौकरी दे रहे हो तरस के आधार से। विधायकों नूं तोहफे वंडण ते मजीठिया ने भी कैप्टन सरकार ते वार कीता। होर ते होर गवर्नर नूं पंजाब सरकार भंग करे जाण दी अपील भी कीती। विधायकों दे पुत्रां नूं नौकरी वंडण ते उन्हां ने कहा कि इह तां खरीदो फरोख्त कर रही है, कुर्सी बचाउण दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह दी खरीदो फरोख्त नीति है। डिमांड करदा गवर्नर साहब कोल कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं डिसमिस होना चाहिदा, डिसमिस गवर्नर साहब नूं करना चाहिदा, क्योंकि खरीदो फरोख्त हुण सम नहीं चल रही है। घर घर नौकरी दी गल कीती सी पंजाब दे नौजवानां दे नाल, ते घर घर नौकरी तां नहीं मिली, हुण हर विधायक दे घर नौकरी वाला काम जिहड़ा उह शुरू कर लिया। लखां दी गिणती दे विच बेरोजगार नौजवान आ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ CBSE ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3,08,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CM ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NSUI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ NSUI ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣੇ।
पोस्टर मुहिम पंजाब साड़ी लीडरशिप ने साड़े प्रधान जी ने अक्षय शर्मा जी ने चलाई सी हूँ उदे बाद प्रधान जी द्वारा हर जिले के सानू हदायत मिली ने कि असी वार्ड टू वार्ड बूथ टू बूथ असैम्बली टू असैम्बली असी प्रचार करांगे कैप्टन साहब का कैप्टन एक ही हुंदा नारा देवांगे लोगों जागरूक करावांगे। जिवें जिवें विधानसभा चोणां नेड़े आ रहियां ने पंजाब दी राजनीति दे विच वी बदलाव वेखण नूं मिल रिहा है। दसूहा दे विच पंजाब किसान सैल दे मुख सकत्तर ते दसूहा दे पूर्व ब्लॉक समिति दे मैंबर अमोलक हुंदल ने जी मीडिया दे नाल गल्लबात कीती है जिन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रताप बाजवा दे हक दे विच पोस्टर वी लगाए ने। बरगाड़ी गांड का मुद्दा उहदा कोई हल नहीं होया। एक उन्होंने लोगों के मन ये बड़ा सवाल आ वो सानू पुछते हैं कि जिहड़ा गुटका साहब की सहुं खाधी सी वो कैप्टन साहब ने मतलब उस सहुं ते क्यों नहीं पूरा उतरे। इस करके उन्होंने जमीनी पद्धर से एक विरोध आ। दूजा जब प्रताप सिंह बाजवा जी प्रधान बने से तो कैप्टन साहब ने उन्होंने मतलब सहयोग उन्हें नहीं दिता जो देना चाहिए सी कि जो वादे से पूरे नहीं हुए तो असी मतलब इन गलों का उन्होंने जवाब नहीं दे पा रहे आम लोगों को ये जवाब नहीं दे पा रहे। रूपनगर की गल करांगे पिंड रतनगढ़ है जिथे औरतां ते पिंड वासियां वल्लों शराब दे ठेके दा विरोध किया गया। तुहानूं दस दईए औरतां ने पत्थरां दे नाल शराब दे ठेकियां नूं तोड़िया हालांकि ठेके खाली सी पर उन्हां दा कहना है कि ठेकेदार जो ने ओह लंबे समय तों तीन वार ठेका खोलण दी कोशिश कर चुके ने। महिलावां दा कहना है कि असीं इत्थे किसे सूरत ते ठेका खोलण नहीं दिया। ठेका खोलते ने नहीं खुलन देना ठेका अपने घर को असं अपने घर के रस्तियां के उत्ते असं नहीं ठेका खुलन देना साढ़े रस्ते सारा दिन देर रात साढ़े बच्चे जाते हैं कुड़ियां साड़ियां जांदियां ने ठेके बारे इस टाइम ठेका नहीं इतने खुलन देना क्यों बच्चों की जिंदगी खराब होंगी। ये बड़िया झलिया ग्रुप के वैसे भी ठेके वैसे बिल्ट राजू तो रमन दर्शन सिंह मुंडे है उन्होंने जमीन इतों खिलाते इतने धक्के जबकि 200 मीटर साढ़े घर इतने साढ़े बच्चे पढ़न जाते हैं बेटियां जाती हैं बेटे भी जाते हैं इतने धक्के खिलाते हैं जी असं उरे ठेका नहीं खुलन देना असं तीन बार पहले इन्होंने तो ठेका चुकवाता पर अज जबरदस्ती लैके इतने वो आ गए खोखा बना के लैके आ गए जो इतने इन्होंने तरिया असं इन्होंने खिलाफत करी पहला बंदे आए ने पंचायत दो पिंड की पंचायत भी आई है उन्होंने इन्होंने कहा तो कहते सू सोमवार तक का टाइम दे दो जी वह बंदे इतों चले गए ने अगे आपकी कार्रवाई करने वास्ते सारे कट्ठे होके उन्होंने गया मगरों ये मगरों 6-7 गड्डिया 20-25 मुंडे बिठा के बिच दारू दियां पेटियां लैके इत्थे पेटियां दारू धरन लग गया असीं फिर सारियां जनानियां ने इकट्ठियां होके इन्हां नूं रोक के आए ठेके वालिआं दी ते जिहड़े लोकल रेजिडेंट इद्धर दे पिंड वाले आ उन्हां दा ठेके नूं खोलण करके कोई इन्हां दा आपस च कोई मतभेद हैगा ते सानूं जी इनफॉर्मेशन मिली सी कि इत्थे कोई ठेके करके इन्हां दा कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा जो असीं मौके ते आए सी ते मौके ते चलो कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है जो कि दोनों पार्टियां सुलझा दिता गया और जो कि हैगा मामला उच्च अफसरां दी नॉलेज लै दिता गया और जो अगे सानूं मौका मिलेंगे उस हिसाब नाल कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हां खबरां दे नाल इस बुलेटिन दे विच फिर फिलहाल नहीं सत श्री अकाल।